श्री राम समर्थ मार्च 28 भगवान की स्मृति और कर्तव्य के लिए जागृति। प्रत्येक व्यक्ति जब बोलता है तब मैं और मेरा का प्रयोग करके ही बोलता है, मतलब कि प्रत्येक व्यक्ति को इन दो बातों के लिए कुछ कर्तव्य होता है। मेरे शब्द में शरीर और तत्संबंधी सभी बातें आती हैं। जीवन में मैं का कर्तव्य परमेश्वर प्राप्ति है और देह का कर्तव्य देह से संबंधित प्रत्येक व्यक्ति के लिए होता है। देह के कर्तव्य में धर्म शास्त्र और नीति को लेकर संबंधित व्यक्ति के साथ आचरण करने के बारे में होता है, अर्थात जिससे अपना संबंध जैसा होगा वैसे उसके लिए अपना कर्तव्य पालन करना। कर्तव्य का अर्थ है बदले में किसी प्रकार की अपेक्षा न रखते जिन जिन बातों के लिए जो करना उचित होगा वह सही ढंग से बिना गलती से करना। मनुष्य को मैं और देह दोनों के बारे में जो कर्तव्य है वह समान भूमिका के घरातल पर करना चाहिए। मनुष्य को मैं और देह दोनों के बारे में जो कर्तव्य है वह समान भूमिका के धरातल पर करना चाहिए। मैं के बारे में करूँगा और देह के बारे में मनचाहा बर्ताव करूँगा यह बात गलत होगी। इसका कारण यह है वह नौकरी किस लिए कर रहा है इसका यदि विचार किया जाए तो यह बात स्पष्ट है कि कोई दूसरा नौकरी के लिए तैयार नहीं है इसलिए वह नौकरी नहीं करता, बल्कि वह इसलिए नौकरी करता है कि उस नौकरी से जो अर्थार्जन होता है वह परिवार की रक्षा के लिए उपयोगी हो। मानो उसने नौकरी की और उससे मिलने वाला पैसा उसने घर में नहीं दिया तो उस नौकरी से क्या लाभ। उसी प्रकार मैं के कर्तव्य के नाते भगवान से अनुसंधान किया किंतु देह के लिए जो कर्तव्य करना चाहिए वह नहीं किया तो यह वैसी ही बात होगी जैसे नौकरी करके घर में पैसे नहीं दिए। घर में पैसे देने का मतलब है सदाचरण करना। भगवान के अनुसंधान का मतलब है मैं का कर्तव्य। अतः अनुसंधान और सदाचरण दोनों आवश्यक हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को भगवान की स्मृति और कर्तव्य के प्रति जागृति रखनी चाहिए और इसका ध्यान रखकर हर साल जन्म दिवस पर हमारा मार्ग कहीं गलत तो नहीं है ना, इसका भी विचार कर हर किसी को अपनी उन्नति कर लेनी चाहिए। भोजन करते समय वातावरण में सुगंध और मुंह में मधुर कौर रखते हैं वैसे ही बोलते समय मधुर भाषण और भीतर राम नाम हो, मतलब कि हमारी बाहर भीतर मधुरता हो। जिस प्रकार कोई गायक गाते समय कई ताने लेता है लेकिन अंत में संपद आता है वैसे ही भगवंत की ओर निरंतर ध्यान रखकर गृहस्थी में जीवन में जो चाहे करते रहो लेकिन अंत में सम को कभी न भूलो। यहाँ तो तबला वादक भगवंत ही है इसलिए उसका ठेका तो अचूक ही होता है। ठेके के अनुसार अर्थात भगवान के ठेके के अनुसार मतलब कि उसका नामस्मरण करते हुए जो गायक सही ढंग से गाएगा वह अंत में सम पर आएगा। आज का मुख्य विचार किसी प्रकार के फल की अपेक्षा न करते हुए किए गए कार्य को कर्तव्य कहते हैं। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। जय जय रघुवीर समर्थ। Mm-hmm.